नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हमारे पास एक सीआरटी टीवी आया है जो कि चाइना की टीवी है और ये कंपनी केल्विन टीवी है। और इसमें प्रॉब्लम जो है दोस्तों वो आप सबको हम टीवी को जो है स्टार्ट करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम टीवी को जो है स्टार्ट करके देखते हैं। सबसे पहले इस सीआरटी टीवी में हमें कैसी हरकत देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस सीआरटी टीवी में हमें जो है दोस्तों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की रूलिंग दिखाई देता है और साथ में जो है दोस्तों वाइट स्क्रीन की भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो चलिए हम टीवी को स्टार्ट करते हैं और आप सबको हम दिखाएंगे ऐसी फॉल्ट जो है दोस्तों कभी भी किसी मैकेनिक आपको नहीं दिखाया होगा, जो फॉल्ट आज हम आप सबको दिखाएंगे। तो चलिए सीआरटी टीवी को जो है हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टीवी में कैसी हरकत देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं सीआरटी टीवी पर वाइट स्क्रीन आती है और रूलिंग बनती है दोस्तों, और कभी कभी जो है दोस्तों वीडियो भी हमारी बंद हो जाती है। तो दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम जो है दोस्तों कहां से आती है और अधिकतर दोस्तों इसमें कहां से फॉल्ट हुआ है आप सबको हम बताएंगे। दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम को हम कई बार रिपेयरिंग कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों हम दर्शकों को दिखाने के लिए ये छोटी सी वीडियो लेकर के आए हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम सबसे पहले सीआरटी टीवी को खोलेंगे और इस फॉल्ट को हम रिपेयर करके दिखाएंगे और कहाँ से फॉल्ट हुआ दोस्तों वो भी हम इस वीडियो। तो सीआरटी टीवी को हम खोल के कम्प्लीटली रेडी कर चुके हैं। अब चलिए एक एक पार्ट जो है दोस्तों हम अच्छी तरह से आप सभी को हम समझाएंगे। तो दोस्तों हमारे पास जो है दोस्तों आईसी भी रखे हैं, लेकिन ये आईसी का फॉल्ट नहीं है दोस्तों, हम पहले ही चेक कर चुके हैं। आप सबको हम बताएंगे कहां से ये फॉल्ट हुआ है दोस्तों, आप सबका बहुत ही काम का ये वीडियो हो सकता है। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर से हम आप सभी को हम वोल्टेज को टेस्ट करके दिखाएंगे, जबकि हमारी सभी सप्लाई ओके बन रही है, फिर भी एक बार मन तसल्ली के लिए हम चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों 110 की सप्लाई रेडी है और यहाँ जो 10 वोल्ट की सप्लाई है वो भी ओके है, और यहाँ दोस्तों एक सप्लाई और है 10 वोल्ट, सॉरी दोस्तों यहाँ 110 वोल्ट की सप्लाई है और यहाँ है 10 वोल्ट की सप्लाई जो कि हमें रेगुलेटर पर देखने को मिलता है, और 16 वोल्ट जो कि ऑडियो आईसी पर देखने को मिलता है। दोस्तों अब बारी आती है हमें दोस्तों यह वर्टिकल सेशन पर। तो वर्टिकल पर हमारी 12 वोल्ट बन रही है और यहाँ भी 12 वोल्ट बन रही है, देख सकते हैं दोस्तों वर्टिकल से ये हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो दोस्तों यहाँ 1.5 वोल्ट की सप्लाई और यहाँ भी 2 वोल्ट की सप्लाई देख सकते हैं, और यहाँ 10 वोल्ट की सप्लाई, यहाँ 3 वोल्ट की सप्लाई, सभी सप्लाई हमारी वर्टिकल सेक्शन पर बन रही है। लेकिन दोस्तों हमारी जो ऑडियो वीडियो की वायर है वो जो हमारी मेन आईसी पर आके कनेक्ट किया हुआ है वो सप्लाई को हमें एक बार चेक करना है। तो यहाँ जो सप्लाई है दोस्तों हमें देख सकते हैं एक ऑडियो के लिए, एक वीडियो के लिए, और दूसरा तीसरा जो है दोस्तों एक ग्राउंड है। तो तीनों वायर पर यहाँ देख सकते हैं यहाँ जो है हमारी 1.5 वोल्ट की सप्लाई आउट होती है जो कि आईसी से रिलीज होकर, और यहाँ सीधे जाके हमारे वीडियो सेक्शन पर होकर के एक कंडेंसर के द्वारा हमें वीडियो को दिखाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ 62 नंबर पर वीडियो 1 है और 63 नंबर पर वीडियो 2 है, देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे वीडियो 1 पर हमें कनेक्ट किया हुआ है ये, और ये सेक्शन पर देख सकते हैं 1.5 वोल्ट की सप्लाई है और यहाँ जो एक कंडेंसर लगी हुई है। दोस्तों यहाँ कंडेंसर अगर हमारी वीक हो जाती है तो उस रीजन में भी दोस्तों हमारी वर्टिकल की रूलिंग बनती है और वाइड स्क्रीन आती है। तो दोस्तों हम जो करेंगे अभी यहाँ जो एक कंडेंसर लगी हुई है आप सबको हम दिखाएंगे अच्छी तरह से, ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए वीडियो को। दोस्तों इस वीडियो को हम बनाने में बहुत मेहनत लगा है, और यहाँ देख सकते हैं एक रेजिस्टर के थ्रू हमें जो है दोस्तों AV1 और AV2 दोनों पर कनेक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों हम जो है दोस्तों एक रेजिस्टर को भी चेंज करेंगे और एक कंडेंसर को भी चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम कंडेंसर को निकालेंगे बाहर और इसकी जगह हमें 25 वोल्ट और 47 UF का एक कंडेंसर लगा के सबसे पहले चेक करके देखेंगे। अगर इस कंडेंसर की वजह से भी हमारी रूलिंग बन जाती है दोस्तों टीवी पर, हम कितनी टीवी पर हम देख चुके हैं पहले ही इस
कंडेंसर की वजह से भी हमारी सीआरटी टीवी में रोलिंग की प्रॉब्लम आती है और थोड़ी देर चलने के बाद जो दोस्तों वो अपने आप सही हो जाती है। तो इस जगह से हम जो है कंडेंसर को निकाल चुके हैं और माइनस प्लस देख करके सेम कंडेंसर नंबर हम लगा के टीवी को हम चेक करके देखेंगे। अगर वहाँ से भी सॉल्व नहीं होता तो दोस्तों वीडियो सेक्शन में एक रेजिस्टर लगा हुआ रहता है, उस रेजिस्टर को भी हम हटा के दूसरा लगा के चेक करके देखेंगे। यहाँ हम कंडेंसर को सेट कर चुके हैं। अब जो है दोस्तों हम सीआरटी टीवी पर लाइन देंगे और लाइन देने के बाद हम चेक करके देखेंगे। अगर हमारी रोलिंग प्रॉब्लम कंडेंसर से सॉल्व हो जाती है तो हमें जो दोस्तों आगे बढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसी से हमारी टीवी सॉल्व हो सकती है। चलिए हम टीवी पर लाइन देंगे और एक बार हम चेक करके देखेंगे। तो टीवी पर हमारी लाइन आ चुकी है। अब चलिए हम आगे स्क्रीन पर ले जाते हैं दोस्तों कैमरा को और आप सबको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं स्क्रीन पर, देख सकते हैं टीवी पे कोई भी फॉल्ट अभी नहीं है और ना तो रूलिंग बन रही है ना तो वाइट स्क्रीन प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, इसीलिए अपने हिसाब से कमेंट भी जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नई इंटरेस्ट वाली वीडियो लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।